साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मॉक टेस्ट नंबर 3 लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पर डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे हम। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% लड़के गणित में सफल होते हैं। यदि 75% लड़के जो है वो दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो 45 लड़के दोनों विषयों में असफल हो रहे, तो हमें बताना है कि कुल जो परीक्षा में लड़के शामिल हुए वो कितने हैं। देखिए, मैंने माना, इसे हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। देखिए, इसे मान लिया मैंने अंग्रेजी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको मान लिया मैथ्स। तो दोनों विषयों में देखिए 75% पास हो रहे हैं दोनों विषयों में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो अंग्रेजी में कितना हो रहा है, 80%। तो 75% तो ये ऑलरेडी है ही है, 5% और जोड़ दूंगा इसमें तो 80 हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ्स में जो है आपने देखा 85 है, तो 75% ऑलरेडी है, तो 10% और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा मैथ्स का। अब मैं इन तीनों को जोड़ लूँगा, तीनों को आप जोड़ोगे 5 + 75 + 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 90%। तो 90% जो है ये पास हो गए हैं, ठीक है। बचे हुए जो 10% है ये दरअसल जो है वो फेल है, क्योंकि आपने देखा कि ये पूरा हमने जोड़ा, तो 90% आया जो कि ये बच्चे जो है वो पास हुए हैं, और हमें यहाँ फेल की संख्या दी हुई है। तो हमें फेल, हमें पता है कि 10% फेल हुए हैं, तो 10% फेल हुए मतलब 145 के बराबर कर दूंगा। हमें निकालने हैं टोटल, तो टोटल मतलब 100% निकालनी है, तो 10 के बराबर 45 है, तो 100 के बराबर 10 और चिपका दो तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 450। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसमें हमें जो है वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बस आसानी से हम कर पाएंगे इसको। देखिए, इसमें अप्रोक्स वैल्यू हमें दी हुई है, तो इनको हमें जो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू मानने की यहाँ पर जो है वो मेथड रहता है एक। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको अप्रोक्स वैल्यू मान के चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 ये है इनटू ये 59.89 है। अगर आपको कोई भी संख्या पॉइंट 50 से अगर बड़ी दी हुई है तो वो आपको बंद कर लेनी है, मतलब यहाँ पर 59.89 दी हुई है, तो मैं 59 को 60 मान लूँगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से 6500 इसको मैं कितना मान लूँगा, 40% मान लूँगा, ठीक है। 100 में नीचे लगा देता हूँ परसेंटेज हटा के, ठीक है। -5500 इंटू इसको मान लेता हूँ 80%। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 00 से यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 0 6 5 30, यहाँ से लगा 3 6 4 24 और 3 27, ठीक है। 6 5 30 अच्छा लगा, और 6 6 24 और 3 27, यहाँ से हम 00 ये काट देंगे, तो यहाँ से आप देखोगे 0 4 5 20, यहाँ से लगा 2 24 और 2 26। इसी तरीके से माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 5 40 और 4 44। तो यहाँ से हमने देखा कि इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 00 6 12 1 13, यहाँ से लगा 1 और 1 53, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस जब आप करोगे इसमें, ओके, माइनस कितना करना है हमें यहाँ पर, 0 यहाँ पर आएगा दरअसल, 8 5 40 8 5 40 और 44, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे इसमें माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 900। तो 900 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जोड़ा जाता है, लेकिन वह अंकित मूल पर 16% की छूट दे देता है, और वास्तविक मूल जो वास्तविक हमें प्रतिशत लाभ है वो पूछा गया है कि कितना होगा। देखिए, मैंने माना कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है, ये दुकानदार जो है वो मार्क प्राइस जो सामान लेके आता है वो मार्क प्राइस पर रहता है जो 100 है। अब इस पर क्या बोला है, उसने पहले से ही जो है वो 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये 125 हो जाएगा। अब 125 है, अब दुकानदार जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये 125 का सामान है, मैं आपको इस पे 16% की छूट दे रहा हूँ, लेकिन था वो 100 रुपये का, ठीक है। तो 125 पे जो वो 16% की छूट देता है, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16% यानी 84/100,
तो यहाँ से ये 25, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से चला जाएगा 21, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, तो जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस जो है वो आपने देखा कि 105 हो रही है। तो देखा था कि 100 रुपये की चीज़ जो दुकानदार लेके आया था बेच कितने में रहा है, 105 रुपये में, यानी उसको प्रॉफिट जो हो रही है वो 5% की जो है वो प्रॉफिट हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,648 तथा 2 वर्षों में 9,680 हो जाती है, तो हमें बताना है कि जो ब्याज दर है वो क्या रहेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए इजकल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर एन। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जब हमें अमाउंट निकालने को कहा जाए। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पी नहीं दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट हमें दिया हुआ है 10,648 इक्वल टू पी मिला है नहीं हमारे पास, क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। इसी तरीके से हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पर 9,680 इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर 2। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का जो है वो रेशियो ले लेता हूँ, यहाँ से और इसका। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये 2 है, पी प्लस 1 + R/2 से ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। ये इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4×6 = 24, 4×6 = 24, और यहाँ से 4 × 2 = 8, 4×6 = 24, 4 × 2 = 8। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे 4 × 2 = 8 ही हो जाएगा, और 4×6 = 9, 6, 4 × 2 = 8, 4×6 = 16, और 4 × 2 = 0। ठीक है, फिर हम 2 से फिर काट देते हैं इसे, 1331 टाइम्स जाएगा और 1210 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 1331/1210 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पी से तो पी ये कट ही गया था, तो 1 + R/100 ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको इसमें 100 ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, नीचे पूरा 100 कर देता हूँ। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो ओरली 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक जीरो से इसे एक जीरो काट देता हूँ, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 13310 बराबर, और यहाँ पर 100 है, ये 12100 प्लस 121 R। ठीक है, तो इसको मैं इसको ले जाऊंगा तो इधर माइनस कर दूंगा, यानी आप देखोगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13310 12100। ठीक है, तो यहाँ से 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यानी इसका डिफरेंस जो आएगा 1210 आ जाएगा, जो कि 121 R के बराबर है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 10 बार जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 10% जो है आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो बस इसमें यही चीज़ें थी कि इसमें जो है वो आपको क्या करना था, यहाँ पर जो है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो ट्रक और बस की गतियां का अनुपात निकालना है कि ट्रक और बस का जो है वो स्पीड की गति कितनी है अनुपात में। हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ट्रक की अगर मैं बात करूं, ट्रक की स्पीड निकालता हूं, ठीक है, ट्रक की स्पीड, तो डिस्टेंस हमें पता है कि 550 चल रहा है, और कितने में, 1 मिनट में। ठीक है, उसी तरीके से मैं बस की निकालूंगा, यहाँ पर बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर जो है ये चल रही है 45 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर तो ये मीटर है और यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो लेना है, ट्रक का और बस का। अब ये मिनट था, ये भी मिनट था, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो कोई चेंज नहीं किया। तो दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। देखिए यहाँ से 45 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी जो आ जाएगा 550 × 45/3300। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 11 से चला जाएगा, और ये 3 बार जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 3 × 3 = 15, और 5 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स। तो यहाँ से देखा 15/20, यानी 3/5 × 15 = 5, 3/4, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है वो स्पीड का रेशियो रहेगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए डीआई से क्वेश्चन लिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें, इसमें जो है हमें 600 बच्चे हैं दरअसल, ठीक है, और ये डिग्री में मान दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि बंगाली और इतिहास विषयों में उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो अब देखिए बंगाल की बात करें यहाँ पर, बंगाली की तो 144 डिग्री है, 144 डिग्री जो है ये बंगाली है। और दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो है आप देखोगे 72 पर डिग्री है, 72 डिग्री जो है ये किसका है, हिस्ट्री। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वरना आपको पहले देखिए ये जो दिया हुआ है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता और फिर आपको ये 600 निकालना था। तो आपको रेशियो में कभी भी कोई संख्या दी हो या आंसर निकालने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको रेशियो ले लेना है, किसी को भी कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है, तो डिग्री डिग्री कट जाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें निकालना किसका है, बंगाली और इतिहास का, तो बंगाली और हिस्ट्री बराबर 144/72, ठीक है, ये डिग्री में है तो डिग्री डिग्री कट जाएंगे, कुछ मतलब नहीं है हमारा। ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 12 से चला जाएगा, ठीक है, 12 बार और 12 छिंग 72, 3/4 6 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 2 6 दूनी 12 और यहाँ पर चला जाएगा 6 एकम 6, यानी 2:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनना, आपको देखिए इसको क्या करना पड़ता, आपको अगर दूसरे वैल्यू निकालने को कहा जाए, कौन किसका परसेंटेज है या कुछ भी वैल्यू निकालने को कहा जाए, जैसे कि यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो इसको पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखिए 100% बराबर होता है 360 डिग्री, ये पूरा देखिए ये पूरा अगर देखा जाए तो ये 360 डिग्री होगा, जो कि पूरा क्या है 100% है। अगर आपको परसेंटेज में निकालने को कहा जाए तो 360/100 यानी आप देखोगे 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, यानी 144 में जो है वो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आने वाले टाइम में जैसे क्वेश्चन आगे और होंगे तो मैं उसमें भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मैथ्स के, अब यहाँ से हम जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक टीचर है, इसका हमें कोड दे दिया गया है और स्टूडेंट का कोड निकालने को कहा गया है, यहाँ पर हमें जो है वो आंसर दिए हुए हैं, थोड़ा आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम TECHER, ठीक है, इसका कोड जो दिया हुआ है WHDFKHU ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए T से W हो रहा है तो TUVW, ठीक है, E से H हो रहा है तो EFGH, इसी तरीके से A से D हो रहा है तो ABCD, और इस तरीके से C से F हो रहा है CDEF। तो आपने देखा कि ये दो अच्छे दो अल्फाबेट छोड़ के नहीं तीसरा आ रहा है, यानी +3 करना पड़ रहा है आपको सब में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट में कर देंगे, अब बाकी आप और भी चेक करोगे यही पैटर्न बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए 4 तक चेक कर लिए हुए हैं, तो मतलब बचे हुए 3 है, क्योंकि अब देखिए इसमें जो है वो कभी कभी क्या रहता है, इतने का अलग दे देते हैं और इतने का अलग दे देते हैं और इतने का जो है बीच वाले का अलग दे देते हैं, तो अलग अलग पैटर्नों पर है। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑलरेडी पहले से चेक कर लिया है, तो आगे आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का हम निकालेंगे, तो स्टूडेंट का देखिए क्या हो जाएगा हमारा STUV, ठीक है, तो V से स्टार्ट होगा और TUVW, तो VW, तो VW 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 सब में दिया हुआ है। अब यहाँ पर है यू, UVWX, तो X, फिर इसके बाद D E F G, तो G आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो VWXG, तो यहाँ पर देखिए VWXG ये यहाँ पर है, VWXG, यानी इसमें से और इसमें से कोई एक होगा। तो हम देख लेते हैं पहले, अब यहाँ पर हमें जो है वो G भी दिया हुआ है, तो अगला H है, तो यहाँ पर हमें I दिया हुआ है, तो H का देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 हम देखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी EFGH, तो H आएगा, तो यहाँ पर यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा B ऑप्शन।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए हमें ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इन्हें क्वल्टी कहते हैं। इनमें हमें आपको एक कथन दे दिया जाएगा, यहाँ पर हमें ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के, और दूसरा जो दिया हुआ है एस बड़ा है टी से, और तीसरा हमें जो दिया हुआ है सी छोटा है टी से। इसमें हमें डिस्कर्स दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो टी बड़ा है बी से, तो देखिए टी बड़ा है बी से, तो यहाँ पर हमें देखनी है, देखिए टी बड़ा है सी से और सी देखिए यहाँ पर है, यानी मैं इसको ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के और सी बड़ा है टी से, तो आप देखोगे कि इन दोनों की ये बराबर नहीं है, तो हम इसमें भी कंपैरिजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बी और सी जब बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें से टी बड़ा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले से ही दिया हुआ है, बी बड़ा सी से कैसे हो सकता है, यहाँ पर बी नहीं बराबर सी, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे ये छोटा है सी से, तो ये छोटा है सी से, तो इसमें भी नहीं है, तो आप देखोगे अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ पर बी की जगह ए रख सकता हूँ मैं, बराबर नहीं है सी के, तो इसमें भी हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोई स्कर्स जो है वो सभी गलत है, ना तो ए ना तो बी और ना तो सी। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो निष्कर्ष तीसरा या जो है वो दूसरा या तीसरा सही है, केवल तीसरा गलत है, ना तो निष्कर्ष दूसरा ना ही निष्कर्ष तीसरा, सभी निष्कर्ष सही है और केवल निष्कर्ष तीसरा सही है। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो अलग तरह के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे जो है ऑप्शन ऐसे तो नहीं दिए जाएंगे जिस तरीके से आपको सीधा सीधा डायरेक्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है नहीं है, तो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर तो नहीं है, या तो ये छोटा हो सकता है बी इससे, या तो सी इससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, अगर मैं ए बराबर बी बड़ा मान लूँ इसको, तो यहाँ पर ये वाला टी जो है वो छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये पहला निष्कर्ष तो हमारा पहले से गलत है, क्योंकि आप अगर इसे छोटा मानते हो सी को बी से, तो क्या ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी ये सी से तो ये बड़ा है और सी जो है वो बी से छोटा है। अब इसमें देखिए, अगर मैं ये वाला देखता हूँ तो यहाँ पर ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, और इसी तरीके से मैं ये वाला देखूँगा तो दूसरा वाला जो है ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और बन सकती है, यहाँ पर ये वाली भी बन सकती है ना, तो यहाँ पर हमारा देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा बी से, क्योंकि ये इस तरीके से हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा बी से, तो इस कंडीशन में हमारी ये वाली सही हो जाएगी, और यहाँ पर ए छोटा हो जाएगा सी से, तो ए बड़ा बराबर है सी के, तो ये वाली भी हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़े अलग तरीके के दिए हुए हैं, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह से बन सकती हैं, क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन इस तरीके से होना चाहिए कि आइदर और होना चाहिए, या तो दूसरा या पहला, तो पहले और दूसरे में, यहाँ पर पहले और तीसरे में कंपैरिजन होना चाहिए, और ये वाला अलग होना चाहिए, तो पहला और तीसरा और बाद का जो है वो दूसरा, तो इस तरीके से ये वाला थोड़ा थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, दरअसल जो है वो बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, आपको सीपीसीटी में ऐसा ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ सीधे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ना ये चीज़ें आपको याद रखना है कि अगर कंडीशन ये नहीं बनती हैं तो आपको ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, वैसे आपसे इतना सीपीसीटी में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 25 बच्चों की एक पंक्ति में डेविड आगे से 14वें स्थान पर है और फातिमा पीछे से 9वें स्थान पर है, डेविड और फातिमा के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। टोटल जो है वो आपको पता है यहाँ पर 25 बच्चे बैठे हुए हैं एक में, डेविड जो है वो 14वें स्थान पर है और फातिमा जो है वो 9वें स्थान पर है, तो मैं मान लेता हूँ इधर से जो है वो ये डेविड जो है वो 14वें स्थान पर है और इधर से जो है वो कौन से 9वें स्थान पर है, क्योंकि ठीक है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है वो बच्चे कितने हैं। तो हम पहले तो सबसे पहले क्या करना रहेगा कि दोनों को जो है वो एक ही साइड से हमें डिस्टेंस या नंबर निकालना पड़ेगा कि वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, या तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पर 1 से 25 तक लिख लो, और फिर उसके बाद जो है वो डेविड को आगे से बैठा दो और फातिमा को पीछे से बैठा दो, मतलब अगर इसे हम लेफ्ट मान लेते हैं और इसे राइट मान लेते हैं,
ठीक है, तो आप 25 इस तरीके से बनाओगे, 1 2 3 4 5, तो हमारी जो राइट हैंड साइड से डेबिट जो हो जाएगा यहाँ पर 14वें स्थान पर, और इधर से देखा जाएगा तो ये 9वें स्थान पर। टोटल जो है हमारे पास 25 बच्चे हैं। तो सीधा सीधा आपको ये तो नॉर्मली जो है वो बिना, अगर आपको कोई मेथड नहीं पता है और जो लेंदी मेथड होता है एक तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से, तो आप 14 इधर से बढ़ा देना, 9 इधर से बढ़ा देना और बीच में देख लेना आप कितना हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मली सभी कर लेंगे। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि टोटल हमें पता है कि 25 है, तो मैं एक की यहाँ पर एक की जो है वो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, पहले तो इधर से ही निकालूंगा। ठीक है, मान लो मैंने 14 की निकाली, ठीक है, तो -14 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 13 और यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 12 बचा, तो ये इधर से हो गया 12। ठीक है, अब 12 है और दूसरा हमारा 9 है, तो इन दोनों के बीच देख लो कितने हैं, 9 10 11 और 12, तो आप देखोगे इसके बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड था, बाकी आप वो दूसरा मेथड करोगे ये 25, 1 से 25 तक का लगा के बच्चों को, तो वो थोड़ा नेक टाइम लेंदी हो जाता है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, राम अंतिम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है और फिर दाई ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर उन्हें दाई मीटर मिटता है और 10 मीटर फिर चलता है, फिर पुनः 2.5 मीटर चल मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है, तो हमें बताना है कि उसकी आरंभिक दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, उत्तर की ओर चल रहा है तो उत्तर इस तरफ होगा, कितना चला, 15 मीटर चला है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया है यानी राइट साइड मुड़ गया है, और यहाँ से कितना चला है, 20 चला है, उसके बाद फिर वह दाई ओर मुड़ा है, तो दाई ओर मतलब इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ से देखा कि ये 10 मीटर चला है, फिर वह कितना मुड़ा है, दाई मुड़ा है और फिर 20 मीटर चला है, तो यानी यहाँ पर यहाँ तक आ गया, तो ये 20 मीटर चल गया। और अब हमें बताना है कि इसकी प्रारंभिक दूरी कितनी है, तो हमें पता है कि यहाँ ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, यानी ये वाली 10 होगी, और ये पूरी कितनी थी, 15 थी, तो ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें जी और टी के बीच में 13 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए ये तो समझ में आ गया कि बीच की आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जी, ये 13 है और ये टी है, ये आई है, ये 1 1 और ये आर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जी 13 टी आई 1 1 आर और एल 9 ओ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 13 से 11 हो गया, 11 से 9 हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी आपने देखा कि ये 2 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 7 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हम और भी चेक करेंगे। देखिए जी से आई, आई से एल, तो यहाँ पर हमने देखा जी एच आई, आई जे के एल। ठीक है, यानी पहले एक छोड़ा है, फिर दूसरे 2 बार छोड़ा है, तो एल के बाद एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पर 3 छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी आना चाहिए, तो P7 और आखिरी का आपको K मिल जाएगा। तो K देखते हैं, देखिए T के बाद TRO मिल रहा है, तो यहाँ पर OPQR, ठीक है, RST, यहाँ पर देखिए एक घट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर K लेता हूँ, KLMNO, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें जो है वो पहले बढ़ते हुए क्रम में, इधर से जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था, इधर से जो है वो आपने देखा घटते हुए क्रम में रहा है, RST यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो K आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा कि P7K जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमें वही अल्फाबेट के हिसाब से अरेंजमेंट करना है। देखिए प्लेन, प्लेन प्लेंटी दिया हुआ है, यहाँ पर प्लेयर दिया हुआ है और प्लेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए वाले करेंगे। देखिए यहाँ तक तो ए ए और ए और ए, उसके बाद देखते हैं एन यहाँ पर है, आई यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी पहले आता है, तो ई पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में आप देखोगे आई और एन, आई पहले आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
बी बी वाला दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद ए वाला पहले नंबर, ए वाला जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए ये तो है ही है इसमें, तो ये चौथे नंबर पे आएगा और प्लेंटी बचा है, तो यहाँ पर ई था, तो ये हमारा सी जो है वो लास्ट में आएगा। तो ई बी ए डी सी, ई बी ए डी सी यानी पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।